जय हो। नमस्कार, सिटी चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम जो हर वर्ष हर हम लेकर आते हैं, सिटी चैनल की विशेष प्रस्तुति वर्षफल दर्पण 2024। देखते हैं कालपुरुष की चौथी राशि कर्क। कालपुरुष की चौथी राशि है कर्क। कर्क राशि के अधिपति है चंद्रमा। चंद्रमा मन का कारक माना जाता है। कर्क राशि जल तत्व राशि और जर राशि है। कर्क जातक जल तत्व और चंद्रमा की प्रधानता के कारण से बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं, इमोशनल होते हैं, कोमल स्वभाव के होते हैं, बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। वातावरण का प्रभाव इन पर सबसे पहले पड़ता है। कल्पनाशील होते हैं, प्रिय शांति प्रिय होते हैं, साथ ही धार्मिक होते हैं, कुछ धर्म भीरु भी होते हैं, तीर्थ यात्रा बहुत करते हैं। ये अपने परिवार और दोस्तों के प्रति ज़्यादा समर्पित रहते हैं। महत्वाकांक्षी होते हैं, परंतु समय समस्या या रुकावट आने पर उस महत्वाकांक्षा को छोड़ भी देते हैं। चाहते हैं कि समाज में इनका नाम हो, पहचान मिले, लेकिन तिकड़म आदि इनको आता नहीं है। इस कारण से फिर बाद में इनकी रुचि नहीं होती, इस कारण से वो सब नहीं पा सकते। एकांत जीवी आमतौर पर अच्छे होते हैं। पढ़ने का साहित्य का कविता में इनकी रुचि होती है। नम्र होते हैं, खाने पीने के शौकीन होते हैं, थोड़ी सी परेशानी पर बेचैन हो जाते हैं। गोचरी स्थिति की बात करते तो कर्क राशि वालों के लिए गुरु वर्ष के प्रारंभ से लेकर के 1 मई तक कर्म भाव में दशम भाव में गोचर करेंगे। 1 मई से वर्ष के अंत तक आय स्थान पर आ जाएंगे। शनि वर्ष के प्रारंभ से लेकर के अंत तक अष्टम भाव पर रहेंगे। राहु वर्ष के प्रारंभ से लेकर अंत तक भाग्य भाव में और केतु वर्ष के प्रारंभ से अंत तक पराक्रम स्थान में गोचर करेंगे। इस गोचरी स्थिति के कारण से ये वर्ग कर्क राशि वालों के लिए थोड़ी खुशी और थोड़ा गम लेकर के आएगा। 1 जनवरी से लेकर 1 मई तक आपके लिए आर्थिक रूप से संघर्ष वाला समय है। अपने पार्टनर से आपके गंभीर विवाद हो सकते हैं। आपके कार्य बिना किसी ठोस कारण के ही धराशायी हो सकते हैं। आपके मित्र आपके शत्रु की तरह कार्य करेंगे, शत्रु की जगह भरने का कार्य करेंगे। अधिक आर्थिक रूप से भी तकलीफ वाला समय रहेगा। कान शरीर में पीड़ा, चित्त में विकलता, ये सब रह सकता है। अपनी वाणी पर संयम रखने की ज़रूरत है। अपनी परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करें तब आपके लिए यह प्रारंभिक काल ठीक हो सकता है। 1 मई से वर्ष के अंत तक का जो समय है वह आपके कार्यक्षेत्र के लिए वित्त हेतु कुछ सुधरेगा। आप में से अधिकांश अनेक प्रकार से धनोपार्जन करेंगे। इन दिनों आरंभ किया गया कोई भी व्यापार परियोजना या काम धंधे निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। आप अपने कार्य से में विशेष लाभ प्राप्त कर सके। आप में से कुछ इन दिनों भूमि अन्य अचल संपत्ति प्राप्त करने के विषय में सोच रहे हैं। कुल मिलाकर धन संबंधी मामलों में समय अच्छा और शुभ समय है। और आप बेरोजगार हैं तो भाग्य आपका द्वार अवश्य खटखटाएगा और आपके सन्मुख कई लाभप्रद नौकरियां और कार्यों का प्रस्ताव आएगा। जो सेवारत है उन्हें वेतन वृद्धि होगी, उच्च पद मिलेगा, अधिकार मिल सकता है। आपकी समझ योग्यता और प्रयास सभी का ध्यान आकृष्ट करेंगी। फिर भी अष्टम में शनि राहु भाग्य में अपनी दृढ़ता की परीक्षा ले रहा है। इस दौरान अपने पराये की पहचान होगी। अचल संपत्ति जमीन जायदाद वाहन आदि से संबंधित चिंता परेशान करेगी। माता को कष्ट हो रहा है, मित्रों से विवाद का भय रहेगा, उधर हृदय में पीड़ा हो सकती है। राज्य नौकरी वाले अफसरों से अनबन हो सकती है। स्थान परिवर्तन होने के योग भी बन रहे हैं। विवाद झगड़ा और शत्रुओं से पराजित भी इस अंतराल में आप हो सकते हैं। राजकीय कष्ट अर्थात राजकीय लोगों से परेशानी हो सकती है। शरीर में विकलता रहेगी, आंखों में पीड़ा संभव है। मन में अज्ञात चिंता से व्याकुल रहेंगे। कार्यक्षेत्र में बाधा और धन हानि होगी। व्यर्थ खर्च के योग बन रहे हैं। सिर नेत्र कान में पीड़ा, वायु कफ आदि से कष्ट मिल सकता है। शत्रु भय रहेगा, जनापवाद अपमानजनक स्थितियां बन सकती है। उन्नति में बाधाएं आ सकती है। परंतु यदि जन्म कुंडली में शनि आपका बलवान है तो इस अंतराल में धन की बहुतायत भी रह सकती है आकस्मिक रूप से। और अधिकांश भूमि जमा जायदाद आभूषण नया वाहन ऐशो आराम के नए साधन इस विषय में भी यदि शनि है आपका बलवान तो आपके लिए फायदेमंद है।
मानसिक शांति का अनुभव आप करेंगे। इस वर्ष की गोचरी स्थिति पर यदि नजर डालें तो राहु शनि पूरे वर्ष चिंता का कारण बने रहेंगे, जबकि गुरु शुरुआती 4 महीनों में अपनी कोपता दिखाएंगे। केतु पूरे वर्ष आपके लिए अनुकूल रहेंगे। इस वर्ष आपको अपनी प्रतिकूलता को कम करने के लिए, आपके भाग्य और ज़्यादा उन्नति और रफ्तार देने के लिए पुखराज आप धारण कर सकते हैं। उत्साह को बढ़ाने के लिए लाल चंदन का तिलक भी कर सकते हैं। बजरंग बाण का पाठ करना भी एक अच्छा उपाय हो सकता है। किसी भी प्रकार का कर्ज या लोन न ले, और यदि लेते हैं तो उसे चुकाने में प्राथमिकता रखें। गुड़ के चावल अपाहिजों को बांटें। नरसिंह कवच का पाठ करें। राम मंदिर में जाकर के राम दरबार में दंडवत प्रणाम करें। और शनिवार को सरसों या तिल का तेल किसी जरूरतमंद को दान करें। सुंदरकांड का पाठ प्रति शनिवार को करते हैं तो ये भी आपके लिए कोपता को दूर करने का उपाय हो सकता है। यदि भावनाओं में नहीं बहे और विचारों को व्यवहारिकता को प्रधानता दे तो इनका धन के साथ तालमेल बढ़िया बैठता है। कर्क जातकों के लिए मोती माणिक मूंगा पुखराज ये रत्न उपयोगी हो सकते हैं। इस वर्ष आपका 2024 यह वर्ष सुख समृद्धि ऐश्वर्य और शांति को देने वाला हो, यही आशा हम सब करते हैं। अगली बार फिर आपसे मिलने का प्रयत्न करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। पिछले 20 वर्षों से अपने ज्ञान से हजारों दर्शकों का मार्गदर्शन और समस्या निराकरण करने वाले आपके अपने पंडित सुदर्शन शर्मा शास्त्री जी से आप व्यक्तिगत समाधान पा सकते हैं। कंप्यूटर कुंडली ज्योतिष मार्गदर्शन, वास्तु विजिट, रत्न उपरत्न श्रीमद् भागवत कथा के लिए संपर्क करें पंडित सुदर्शन ओम प्रकाश शर्मा, ओम ज्योतिष कार्यालय, न्यू राधा किशन प्लॉट, महसूल भवन के पास, अकोला। फोन नंबर 07242440722, मोबाइल नंबर 9422863311, 9822227765। जो दर्शक व्यक्तिगत नहीं मिल सकते वे वेबसाइट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वेब एड्रेस है www.panditsudarshan.com।